Welcome back, guys. We are back with another amazing video because after watching this video, you can do this. So, without wasting any further time, let's get started. In this video tutorial, after watching this video, you will learn how you can use GPT-4. Since GPT 3.5 is available for all of you, which is of the free version, but I am here to help you guys how you can use GPT-4. And as a medical students or a NEET aspirants or you are a CBSE students or a UPSC aspirant, doesn't matter. If you are a students. This artificial intelligence is going to be help you a lot. This will save a lot of your time in the preparation of your examination. Since I am a second year MBBS students, so I am here to show you some examples, some amazing way that AI tool can do for you. So, without wasting any time, let's jump into the computer screen there. I will show you how you can generate the long answer questions or the short answer questions or objective type questions and many more things is still need to be explored. So jump into the computer screen वहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस copilot का आप इस्तेमाल करके आप अपने exam preparation को अच्छे तरीके से कर सकते हो. So चलते हैं हम लोग computer screen में नाम है Microsoft Edge या फिर आप Play Store पे जाइए और वहाँ पर चेक करिए क्या आपको सर्च करना होगा चैट विथ एआई और बिंग लिख देना होगा बिंग इज पावर्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट सभी को पता है ठीक है तो आप उसे इंस्टॉल करने के बाद एक को पायलट आता है इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा सेंटर में और अगर आप फोन में इस्तेमाल कर रहे हो तो उस तरीके से या फिर पीसी में आप माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर को ओपन कर लो वहाँ पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप को पायलट जनरेट हो जाएगा को पायलट आपका खुल जाएगा ठीक है तो इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो कुछ भी जनरेट कर सकते हो ठीक है जैसे कि मान लो मेरा एग्जाम आने वाला है तो ये यहाँ पर क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ किसी भी क्वेश्चन के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर आंसर जेनरेट करके ये दे सकता है जैसे कि यहाँ पर आ, मान लो जेनरल एनसिया का क्वेश्चन है कोई सा भी क्वेश्चन आप ले सकते हो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसका मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले आंसर जनरेट किया था वर्ट डू मीन बाई इ सेल इंजुरी तो यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर जाके टाइप कर सकते हो ठीक है अब मैं यहाँ पर अब देखिए पीसी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है ना उसमें एक और फीचर आता है नोटबुक का तो आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो अगर आपके पास फोन है या फिर आईपैड है या टैब है तो आपको पायलट का इस्तेमाल करना विच इज पावर्ड बाय जी फोर आप कुछ भी क्वेश्चंस का आंसर पूछ सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जैसे कि

वट आर द अगर आप क्या फोन का इस्तेमाल करो या फिर आईपैड का इस्तेमाल करो तो आप अपने माइक्रोफोन से क्वेश्चंस को बोलकर भी बता सकते हो वट आर major टाइप्स ऑफ सेल death? ठीक है और फिर डिफ्रेंशिएट करना है उन दोनों के बीच में मतलब इसका हमको आंसर पता है क्या एपोट्रोसिस और नेक्रोसिस ठीक है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स बेस्ड ऑन काउज एनर्जी डिपेंडेंसी एंड मॉर्फोलॉजी यहां पर मैं लिख देता हूं ठीक है टू ऑन दाउज ठीक है काउज था और मोर्फोलॉजी मोरफो losing and energy dependency नॉलेज तो right मतलब तो का भंडार है ठीक है लेकिन आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप इस तरीके से लिख दोगे तो ये आंसर जनरेट कर देगा ठीक है अगर मैं देखो जैसे कि इसने आंसर जनरेट करना चालू कर देगा लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सही तरीके एक तो आपने सिर्फ क्या किया क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप कर दिया आंसर ये जनरेट करना चालू कर देगा अब मैं इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करूँगा क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है लेकिन मैं चाहूँगा कि ये टेबल के फॉर्म में आंसर बताए ठीक है तो ये भी उस फॉर्म में बताएगा जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी ये आंसर जनरेट हो रहा है दोनों के बीच में एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस अच्छा ये टेबल के फॉर्म में बनाने लग गया ठीक है इसके बाद आपको जो लिखना है जनरेट द आंसर कोई सा भी क्वेश्चन हो आप पूछो और लिख दो जेनरेट द आंसर इन दुलेटेड फॉर्म टैबुलेटेड फॉर्म फॉर आप किस लिए पूछ रहे हो एमबीबीएस एग्जाम के लिए ना फॉर एमबीबीएस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एग्जाम ठीक है तो अगर आप ये करोगे तो आपका ये आंसर टेबल्स के फॉर्म में आ जाएगा और अगर ठीक है ना तो ये सारी चीजें का इंपॉर्टेंट बात है आपको यहाँ पर आंसर्स एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में आ गए हैं और इसने बता दिया सोर्सेज जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है रिलेवेंट सोर्सेज है ना आप ये लिख कर आओगे देखो आप क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ो एग्जैक्ट एकदम बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है ना बस और आपको क्या करना है नोट्स बनाना है तो आपको इसको कॉपी करना है एमएस वर्ड में जाना है और फिर मैं यहाँ पर इसका ऑलरेडी आंसर जनरेट कर चुका था ठीक है आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट में करना है और यहाँ पर आंसर आपको पेस्ट कर देना है यहाँ तक क्लियर अब यहाँ तक क्लियर हो चुका है हम्म अब आपको क्या करना है यहाँ पर सिलेक्ट करना है टेबल डिजाइन मतलब आप अगर कलरफुल बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप बना सकते हो और ये आंसर आपका इस तरीके से जनरेट होकर के आ चुका है ठीक है ए रिवर्सिबल सेल इंजरी का डेफिनेशन क्या होता है यहाँ पर आपको दिख गया और फिर दो मेजर टाइप ऑफ द सेल डेथ किस किस बेसिस पे हमने लिया था बताओ आ, बेसिस क्या था यहाँ पर जाओ बेसिस था काउज इनर्जी डिपेंडेंसी और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे तो यहाँ पर किस तरीके से आ गया काउज क्या क्या है एपोप्टोसिस का और नेक्रोसिस का एपोप्टोसिस का काउज क्या है आ, क्या है जल्दी बताओ या तो सेल डिविजन में मतलब क्या है इट के हैपन सेल नेचुरली अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है मॉर्फोलॉजी क्या क्या होता है कि सेल सेल होता होता है इसमें होता है इसमें का स्वेलिंग ये सब सारे आपको यहाँ पर आ गए तो एक परफेक्ट तरीके से आंसर जनरेट करके आ चुका है आप सिर्फ इसका नहीं आप किसी भी क्वेश्चन का मैं जैसे कि आपको एक दूसरा एग्जाम्पल करके बताता हूँ ठीक है कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो भी हो जैसे ये मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ जो कि शॉर्ट पड़े टाइप करने में जैसे पहला क्वेश्चन जैसे इसमें क्या है क्लासिफाई जनरल एनेस्थीसिया तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्लासिफाई जनरल एनेस्थीसिया ठीक है डिस्कस दियर मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ठीक है डिस्कस दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्या है चलो पहले इतना ठीक है इतना को हम आंसर जेनरेट कर लेते हैं ठीक है अब आपको जो प्रॉन्ट लिखना है क्वेश्चन लिखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जेनरेट दी आंसर फॉर एमबीबीएस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एग्जाम इन अ tabulated मैनर अगर आप ये लिखोगे तो आपको हमसे टेबल्स के फॉर्म में आएंगे जैसे यहाँ पर आया है इन अ tabulated मैनर स्पेलिंग रॉन्ग हो गया लेकिन कोई बात नहीं और आपको इंटर दबा देना है ठीक है iPad का इस्तेमाल कर रहे हो टैब का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर फोन का इस्तेमाल कर रहे हो फोन में इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं चलता है मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ फ़ोन में ज़्यादा फ्लुएटली ये काम नहीं करता है, है ना तो लेकिन फिर भी काम करता है लेकिन अच्छे तरीके से काम नहीं करता है तो आपको देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थीसिया का आ गया आप कैडिटी के, के बुक भी पढ़ोगे तो वहां पर भी क्लासिफिकेशन इसी तरीके से है कि एनेस्थीसिया होता है और फिर इंट्रावेनस एनेस्थीसिया होता है और फिर इन इनहेलेशनल में भी और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इसी के सोर्स पर ही सिर्फ रहना है ठीक है आपको बुक भी खोलना है जिससे ये सिर्फ आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दे रहा है इसके अकॉर्डिंग है ना और फिर वैसे बुक आपको खोलना है बुक में जो चार्ट वगैरह दे रखा है क्लासिफिकेशन का उसको याद करना है ठीक है तो इन्हें लेनल में भी क्या था एक जो कि गैसियस फॉर्म में ले रहे थे एन और एक हम लोग ले रहे थे क्या आपको बुक पढ़ोगे तो याद आएगा गैसेस फॉर्म और वोलाटाइल गैसेस होते हैं उस तरीके से क्लासिफिकेशन दे रखा है तो आपको फिर से क्या करना है नोट्स बनाना है इसका तो आपको बस यहाँ पर कॉपी करना है आपको एम एस वर्ड खोल लेना है ठीक है अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं ठीक है आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद अब आपको टेबल अच्छे तरीके से बनाना है तो इसपे सेलेक्ट करने के बाद टेबल डिजाइन आएगा आपको और वहां पर जाके आप इस तरीके से नोट्स को क्रिएट कर सकते हो तो ये आपका आंसर आ चुका है ठीक है तो देखिए किस तरीके से आ गया आप बुक भी पढ़ोगे तो इस तरीके से दे रखा है ठीक है ना जेनरलिस को दो मेन टाइप में क्लासीफाई किया हुआ है और इससे पहले मैं जो आंसर जनरेट कर चुका हूँ वो यहाँ पर है जैसे कि आज वो वाला जो आंसर जो पहले मैं जनरेट किया था क्या ए रिवर्सबल सेल इंजरी का है ना तो आपको बुक ऐसा नहीं है कि बुक बिल्कुल भी नहीं खोलना है बुक आपको खोलना है उससे देख भी पढ़ना है ठीक है आपको परफेक्ट आंसर यहाँ पर मिल जाया करेगा टेबलेटेड मैनर में और फिर अगर आप इसके आंसर से सेटिस्फाइड भी नहीं हो तो आप बुक भी खोलो है ना उस पर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इससे एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है हाँ तो और अभी तो बहुत कुछ इसको एक्सप्लोर करना बाकी है अभी तो मैंने बस एक थोड़ा सा हिस्सा बताया है कि आप ए का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को जनरेट कर सकते हो तब तक वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर कर दो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो